एक तरफ कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की सेहत को दुरुस्त करने के लिए मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं की पूरी कसरत राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की है। विजय बहुगुणा के बाद बेनी प्रसाद वर्मा ने भी खुलकर कहा है कि हर कांग्रेसी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। लेकिन हम हजार बार डांटे गए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात को बंद नहीं करेंगे। राहुल गांधी को श्रद्धा भाव हो तो ऐसा, वफादारी की मिसाल हो तो ऐसी, उम्र और योग्यता के तमाम कांग्रेसी कद्दावरों को राहुल गांधी के आगे काटना हो तो ऐसे। बेनी बाबू ने साफ कर दिया कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने विजय बहुगुणा की अभ्यर्थना को न सिर्फ ठुकरा दिया था बल्कि कठोर शब्दों में झिड़क भी दिया था। लेकिन निष्ठा में डूबे बेनी बाबू कैसे पूरी कांग्रेस की भावना को शब्द न देते, सो उन्होंने राहुल गांधी के प्रति अपने उद्गार प्रकट किए। दो दिन पहले कांग्रेस के वॉर रूम में देश भर से आए कांग्रेसी दिग्गजों का जमावड़ा लगा था, जहां विजय बहुगुणा भी मौजूद थे। राहुल गांधी हर प्रदेश के नेता से उनकी चुनौतियां सुन रहे थे कि बहुगुणा जी ने मुद्दा बदला और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की पैरवी कर डाली। राहुल गांधी पिनक गए, बोले मनमोहन सिंह उत्तम प्रधानमंत्री हैं और वो खुद कांग्रेस को आगे बढ़ाने की दिशा में उत्तम कार्य करना चाहते हैं। लेकिन इस डांट डपट का भी कोई असर नहीं हुआ। विजय बहुगुणा यहां से छूटे तो कहीं और दिल की बात कह डाली। सारे देश के कांग्रेसी चाहते हैं उस दिन एक दिन आएगा, सारे देश के कांग्रेसी चाहते हैं उस दिन एक दिन आएगा। बेनी प्रसाद वर्मा के सामने ये प्रश्न भी गिरा कि बार बार राहुल गांधी का नाम उछाले जाने का मतलब ये तो नहीं मनमोहन सिंह काबिल नहीं है। बेनी प्रसाद वर्मा ने बड़ी होशियारी से मनमोहन की महत्ता को बनाए रखने का तर्क दिया। तो मनमोहन सिंह क्या एकदम बेकार है? मनमोहन सिंह के आशीर्वाद से बनेंगे राहुल गांधी। उपाध्यक्ष बने राहुल गांधी का जोर कई सूबों में गंभीर बीमारी से बेहाल कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी तलाशने पर है और पार्टी के बड़े नेता उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए बेहाल है। राहुल गांधी चुनाव से पहले कांग्रेस की बेहतरी के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी नेता को पार्टी की बेहतरी का एक ही रास्ता दिखता है और वो रास्ता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।